शुक्रवार को नौसर चौराहे पर बने बैरियर का सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। शहर में वही लोग आए जो गोरखपुर के निवासी हैं, बाकी लोगों को कसरवाल बॉर्डर पर से ही उनका थर्मल स्कैनिंग कराकर बस द्वारा उनके जिलों में भेज दिया जा रहा है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति नौसर तक आ रहा है तो उसके थर्मल स्कैनिंग कराकर उसको सरकारी साधन से भेज दिया जा रहा है। यहाँ पर उसका पूरा नाम पता नोट कर डिटेल नोट किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध मिल रहा है या लक्षण पाए जा रहे हैं तो यहाँ एम्बुलेंस पहले से ही मौजूद है, उसको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। और जो भी मजदूर यहां आ रहे हैं उनको बसों से ही यहां से भेजा जा रहा है। चाहे वह व्यक्ति गोरखपुर जिले का ही हो, हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति पैदल ना जाए और उसके लिए लंच पैकेट और पानी की भी व्यवस्था है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, लॉकडाउन का पालन करिए, आप लोग दूरी बनाए रखिए, आपस में दूरी बनाए रखिए, बार बार अनुरोध किया जा रहा है, आपस में दूरी बनाए रखिए। आप लोग यहाँ पर रोड में उसके पास आएंगे उसमें बैठ के जाएंगे, फिर उत्पादन आ रहा है, सब लोग अपने अपने जांच करा लें। इधर से जाओ, हेलो जाओ, लाइन में लग के जांच कराओ पहले। बिना जांच कराए कोई जाएगा नहीं, सभी लोग अपनी अपनी जांच करा ले, यहाँ से कोई पैदल नहीं जाएगा, सबके लिए बस की व्यवस्था है, बस आएगी उसी में जाएंगे। आपस में दूरी बनाए रखिए, दो तीन फीट की दूरी बनाइए। नाम नोट हो रहा है, पूरा नाम पता नोट होता है, टाइम लगता है, जब पूरा नाम पता नोट होगा तो टाइम लगेगा। जो जीरो पॉइंट है, जीरो देवरिया वाले देवरिया अंदर ही आएगा, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं आप लोगों से अनुरोध है लाइन में लग करके यहाँ पे अपने अपने थर्मल स्क्रीनिंग करा लें, नाम नोट करा लें, उसके बाद यहाँ से बस की सुविधा दी जाएगी, उसमें बैठ के अंदर शहर में प्रवेश करेंगे। सौड़ी राम की तरफ जाना है, यही पास के और ये बस वाले को रोडवेज उस पर आपकी खड़ी थी, हमने रोडवेज वाले से कहा भी कि छोड़ दो, तो कहा कि नहीं है सर, जब से कहाँ का था, यही रोडवेज नहीं थी, मेरी बात करा दीजिए, मेरा पार्सल करा दीजिए, जिससे बात करा करा दीजिए, जो पसंद ना रोके, जो कोई बस रोक लो, कोई ये आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग लाइन में लग करके पहले अपनी जांच की जांच कराइए। एक एम्बुलेंस का आगे आगे ये जितनी भीड़े आ रही है ये सब इसी रोड से आ रहे हैं, ये सब लगभग हैदराबाद से, हैदराबाद से ज़्यादा है, बिहार वाले भी वही से आ रहे हैं। जो गोरखपुर के निवासी हैं वही शहर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उनको वहाँ से सुविधा मिलेगी, जो किसी अन्य
जनपद के हैं वो नौसर रोडवेज से जाएं, वहां से साधन मिलेगा। खोलिए दरवाजा, खोलिए, रुकिए और दरवाजा खोलिए, राजीव को बैठाइए, डीएम साहब का सख्त निर्देश है। खोलिए, डीएम साहब का सख्त निर्देश है, इन रागीरों को बैठाइए और ले जाइए रोडवे, रेलवे रोडवे तक। कितने मिला मौके खुले? बस स्टेशन पे जाके बस पकड़ लेना, ठीक है? हाँ ठीक। तो उनका जाओगे फिर आने में दिक्कत होगी। देखिए तीन बॉर्डर्स पे बेसिकली उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। करसवल का बॉर्डर है, जीरो पॉइंट कालेसर है और तीसरा नौसड़ का है। तो पूरा प्रयास तो है कि सिर्फ जो गोरखपुर आने वाले लोग हैं उनकी ही एंट्री गोरखपुर के सीमा के अंदर हो और बाकी जो लोग हैं उनको बाहरी जो जीरो पॉइंट कालेसर वाला है वहाँ पे रोक के उनको साधनों से उनके ज़िले में भेज दिया जा रहा है। पर अगर फिर भी कोई आदमी पैदल चलता हुआ यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे पूरा टेंट लगा के व्यवस्था की गई है, उन लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, डॉक्टर्स की भी टीम लगी हुई है, एम्बुलेंस लगी हुई है, मजिस्ट्रेट्स यहाँ लगे हुए हैं, उनका एक एक डेटा नोट किया जा रहा है। अगर कोई आदमी संदिग्ध मिलता है, उसको लक्षण पाया था, तत्काल उसको अस्पताल भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं एक यहाँ चीज़ सुनिश्चित की जा रही है, कोई भी पैदल नहीं जाएगा, भले वो गोरखपुर शहर का भी है तो उसको किसी गाड़ी से, किसी साधन से या किसी बस से ही उसके गंतव्य तक भेजा जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में पैदल ना चले, हमारा यही एकमात्र उद्देश्य है। इसके अलावा उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर दी गई है।